खबर सागर जिले के बंडा से है, जहां बरायठा थाना प्रभारी के खिलाफ पूरा शाहगढ़ के सरपंच श्रीराम यादव ने एसटीओपी को ज्ञापन सौंपा और थाना प्रभारी को थाने से अन्य जगह स्थानांतरित कराने की मांग की है। यादव का कहना है कि थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्रता की है और गाली गलौज कर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। श्रीराम यादव के साथ गए शाहगढ़ के वकील रामची यादव के साथ भी थाना प्रभारी ने बहसबाजी की। फिलहाल लोगों की शिकायत पर एसटीओपी ने जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कही। तो थाना में जैसे ही पहुंची तो थानेदार साहब ने कहा, क्यों नेतागिरी करते करने आते हो? माँ बहन की गाली दी, एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगे जान से मार देंगे, शाम को इनकाउंटर दिखा देंगे। किस बात को लेकर देने लगे? कुछ विषय था? कोई विषय नहीं, बात कछु हो ही नहीं पाई। अकेले जैसे ही अंदर पहुंचे उनके पास में, तो आपने उनसे कहा नहीं कि सर आप? हमने कहा कि साहब आप हमें क्यों गाली दे रहे, हमने क्या कसूर किया? कहने लगे तुम सरपंची सरपंची दिखाने आए। अच्छा। माँ बहन की गाली देने लगे। और अब आप क्या चाहते शासन से? इनका ट्रांसफर। जो बरायठा थाना प्रभारी है धनु सिंह गोंड, तो फरियादी अपने पास आते हैं कि वकील साहब ये समस्या है, थोड़ा आप थाने चलिए। और जब थाने जाते हैं तो थाना प्रभारी द्वारा उनको गाली गलौच अपने सामने ही दी जाती है। एक दो बार का बर्दाश्त कर लिया कि आप सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे। लेकिन मैं आज सुबह सरपंच महोदय के साथ में गया तो वो इन्हीं को भी वो गाली देने लगे, माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगे। इसलिए आज अनुविभागीय अधिकारी बंडा को ज्ञापन देने आए हैं। उनकी मांग जो है कि थाना प्रभारी बराठा धनु सिंह के पास जो भी यानी व्यक्ति जाता है जी सर, तो ये गाली दे के बात करते हैं। और भी कल किसी काम से गए होंगे वकील साहब और सरपंच श्री राम, तो उनसे उनने अशब्द को प्रयोग किया, जिस कारण से उनने गुस्सा होकर के आज ये आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हमने प्राप्त लिखी है और पुलिस अधीक्षक महोदय के संबंध में रिपोर्ट भेज दी जाएगी। तो आपने क्या आश्वासन दिया सर? हमने ये आश्वासन दिया है कि अगर जो सही जांच होगी कि जो भी जाना थाना प्रभारी की गलती है तो उसके खिलाफ लिखा जाएगा, और नहीं है तो उसको आपको अवगत कराया जाएगा कि गलती किसकी है। उस संबंध में थाना बराठा गए थे हम,